आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिस हिसाब से टीचर्स होते हैं उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। नमस्कार, मैं भूपेंद्र दीक्षित, आप देख रहे हैं आई इंडिया। आई इंडिया आपको दिखा रहा है बदलते तस्वीर परिषदीय स्कूल। जी हाँ, आई इंडिया की टीम पहुंची है सम्मिलित विद्यालय परसेहड़ा कला में। परसेहड़ा कला में हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ के बच्चे और यहाँ का शैक्षिक वातावरण क्या है। आइए आपको ले चलते हैं। देखिए, आप जो है देखेंगे यहाँ पे कक्षा कक्षों का नामकरण जो है वो महापुरुषों के नाम से किया गया है। ये कक्षा 7 सेक्शन 2 है। सेक्शन भी यहाँ पे इस विद्यालय में देखने को मिल रहे हैं। छात्र संख्या के अनुसार यहाँ पे एक एक कक्षा कक्ष को 2-3 सेक्शंस में बांटा गया है। शास्त्री कक्ष में हम आपको ले चलते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से इस कक्ष का नामकरण किया गया है। यहाँ मैम पढ़ा रही हैं, इंग्लिश पढ़ा रही हैं। आइए मैम से बात करते हैं। मेरा नाम गुलशन जहाँ है। गुलशन जहाँ जी हैं, कौन सा सब्जेक्ट इस समय पीरियड चल रहा है पढ़ा रही हैं? इस समय तो वैसे जिस हिसाब से टीचर्स होते हैं उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, और इस समय अंग्रेजी का पीरियड हम ले रहे हैं। अंग्रेजी का पीरियड, अंग्रेजी में क्या पढ़ाया जा रहा है, आइए बच्चों से जानते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माई नेम इज़ बुसरा। आई एम फ्रॉम टप्पा खुजरिया ए इन माई क्लास 7। माई हॉबी इज इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव 3 ब्रदर्स आर यंगर सिस्टर। माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स आर रीडिंग बुक्स, दैट्स ऑल अबाउट मी। थैंक यू। चलिए, इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, बहुत अच्छी बात है। परिषदीय विद्यालयों में अगर कोई बच्चा अपना इंट्रोडक्शन, अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देता है तो ये निश्चित तौर पर परिषदीय स्कूलों की बदलती तस्वीर का एक परिणाम है। चलिए, अभी इनको पढ़ाया जा रहा था। जो है बच्चों ने अपना परिचय दिया, इंग्लिश का इनका क्लास चल रहा था, इंग्लिश पढ़ रहे हैं बच्चे। प्लीज़ टेक योर सीट। अब आपको ले चलते हैं अगली कक्षा की तरफ। अगली कक्षा के विद्यार्थियों से आपको मिलवाते हैं। विद्यालय के परिवेश में आप देखते हैं, यहाँ की ग्रीनरी देख रहे हैं। सरकार का एक जो लक्ष्य है स्वच्छ भारत, उसके अंतर्गत आप देखेंगे विद्यालय की कैंपस की सफाई और यहाँ के पेड़ पौधे स्वच्छ वातावरण के लिए, स्वच्छ पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक हैं। ये 6A है, सामने डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कक्ष की ओर आपको ले चलते हैं। ये आपको कक्षा 7 की तरफ ले चल रहे हैं। पहले कक्षा 7 बा के विद्यार्थियों से आपकी भेंट करवाई थी, ये कक्षा 7 आ है। ये बच्चे आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 7A में पढ़ते हैं। अब अपना नाम बताइए। परवेज। परवीन। अब आपको ले चल रहे हैं कक्षा 8 बा। कक्षा 8 बा की तरफ ले चलते हैं। ये क्लास एर्थ बी के स्टूडेंट्स हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे मैम पढ़ा रही हैं, मैम से आपकी मुलाकात कराते हैं। मैम प्लीज़ अपना नाम बताइए। पूजा सिंह। पूजा सिंह, इसमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं? मैं साइंस पढ़ाती हूँ बच्चों को। साइंस पढ़ाती हैं। कौन सा सब्जेक्ट मैम पढ़ा रही थी? विज्ञान। विज्ञान पढ़ा रही थी। विज्ञान में इस समय क्या पढ़ रहे हैं आप? सर, कोशिका का अंत। कोशिका का अंगतंत्र पढ़ रही हैं। वेरी गुड। कोई बच्चा कोशिका के विषय में कुछ बताना चाहेगा? हाँ बताइए। कोशिका, जो कोशिका जीव कोशिका बन जाती है, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, ये कोशिका चलिए इन्होंने कोशिका, एक कोशिका का उदाहरण बताया। बच्चे विज्ञान पढ़ रहे थे, ये कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं। मैम इन्हें विज्ञान पढ़ा रही थी। बहुत अच्छा शैक्षिक माहौल। मैम से जानते हैं कि इस क्लास में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं? मैम
सर वो तो सर बताएंगे क्योंकि पर एक्चुअली जो क्लास टीचर है वही बताएगा। अच्छा क्लास टीचर नहीं है मैम, लेकिन फिर भी ये देखने से लगता है कि जितनी क्लास में सीट्स हैं वो सारी सीट्स भरी हुई हैं, इसका मतलब है कि बहुत अच्छा शैक्षिक वातावरण है और बच्चों की उपस्थिति ये बयां करती है कि पढ़ाई का स्तर निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होगा। आइए आपको ले चलते हैं, मिलवाते हैं अगली कक्षा के विद्यार्थियों से। ये कंपोजिट विद्यालय परसेहड़ा कला का प्राइमरी सेक्शन है, प्राथमिक विद्यालय परसेहड़ा कला की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। कक्षा परिषदीय विद्यालयों में आए दिन ये देखा जाता है कि स्कूल की टाइमिंग को लेकर के प्रश्न उठते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लगभग 2:30 बज रहा है, लेकिन यहाँ पे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो अभी भी यहाँ पे कक्षाएं संचालित हैं बच्चों को और अच्छी शिक्षा देने के लिए। यहाँ वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, टेक योर सीट। यहाँ पे बच्चे संबोधन कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, जो है गिनतियाँ हैं जो वॉल्स पे अंकित हैं, मंथ्स के नाम हैं और कैपिटल स्मॉल लेटर्स हैं, डेज के नेम हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। यहाँ पे ये कक्षा 4 है, हिंदी की मात्राएं यहाँ पे बताई जा रही हैं। कोई बच्चा किसी को कक्षा 4 के अपने सिलेबस की, अपने पाठ्यक्रम की किताब की, कोई पुस्तक की अपने कविता याद है, कोई सुनाएगा? अरे वाह, वेरी गुड। आप अपना नाम बताइए। राम राजपूत। राम राजपूत, अरे वाह। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 4। फोर्थ क्लास में पढ़ते हो। कौन सी कविता सुनाना चाहते हो? कहाँ रहेगी चिड़िया। हाँ सुनाइए। आंधी आई जोर शोर से डाले टूटी हैं जकोर, उड़ा घोंसला अंडे फूटे किससे दुखी बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, हमने खोला अलमारी को बुला रहे हैं बेचारी को, पर वे ची ची कराती है, घर में वे तो नहीं रहेगी, घर में पेड़ कहाँ से लाऊं, किससे दुखी बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपका नाम क्या है बेटा? दिव्यांशु। दिव्यांशु, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 4th में। कहाँ से आते हैं पढ़ने? निवादा से। निवादा से आते हैं, अरे वाह, बहुत गर्मी है ना? पंखा तो लगा है लेकिन चल नहीं रहा, लाइट नहीं आती। लाइट कितनी देर रहती है? 2 घंटे। 2 घंटे रहती है, अच्छा वेरी गुड। कौन सी पोएम सुनाना चाहते थे, सुनाइए। आंधी आई जोर से। आंधी आई जोर से सुनाओ। आंधी आई जोर शोर से डाले टूटी हैं झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे किससे दुखी बात कहेगी, अब वह चिड़िया कहाँ रहेगी, हमने खोला अलमारी को बुला रहे हैं बेचारी को, पर वह चीची कराती है, घर में तो नहीं रहेगी, अब वह चिड़िया कहाँ रहेगी। वेरी गुड, दिव्यांशु ने अब वह चिड़िया कहाँ रहेगी बहुत ही अच्छी कविताएं बच्चों ने सुनाई। हिंदी का ये पीरियड है, हिंदी में बच्चे मात्राओं का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। लाइट नहीं आ रही है, पंखे की व्यवस्था है लेकिन बच्चे गर्मियों में पढ़ रहे हैं, ये दिक्कत है। गीत बच्चे सुनाना चाहते हैं, चलिए। अच्छा गीत की 2 लाइनें सुना दो, कौन सा गीत सुनाना चाहते हो? आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर इन्हें ललकारा है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। बहुत अच्छे, बेस्ट ऑफ लक, आप पढ़ते रहिए, उन्नत करिए। आपको ले चलते हैं अगली कक्षा की ओर। ये सम्मिलित विद्यालय का कक्षा 5 है परसेहड़ा कला का, इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, ये गणित का पीरियड चल रहा था मुझे लगता है। वेरी गुड आफ्टरनून, टेक योर सीट। ये कौन सा लास्ट पीरियड का है, का होता है आपका? गणित। गणित का, गणित पढ़ रही थी, गणित में क्या पढ़ाया जा रहा है? सर सवाल। अच्छा 5th क्लास में हो? यस। कोई टेबल सुनाइए, कोई पहाड़ा जो आपको अच्छा आता हो। 6 6 6 12 6 18 6 6 24 6 5 36 6 36 36 42 46 47 वेरी गुड, इस बच्ची ने गणित का पीरियड है ये टेबल सुना रही है। आप देखिएगा इसमें गिनतियाँ बोर्ड पे हैं और जो गुड मॉर्निंग
और ये कुछ एक सब जो दैनिक बोलचाल के होते हैं, स्वागत है, गुड बाय है, थैंक यू बोला जाता है, एक्सक्यूज मी अगर आप किसी को बोलते हैं, तो ये कुछ एक जो दिनचर्या से संबंधित इंग्लिश के वर्ड्स हैं, प्रिंसिपल साहब के द्वारा इस पर लिखवाए गए हैं। और महिलाओं पर, महिला सशक्तिकरण पर सरकार बहुत जोर दे रही है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो आइकन है, रोल मॉडल है, महिलाएं जो है विभिन्न क्षेत्रों में उनकी फ़ोटो सहित उनकी जन्म और उनका डिटेल दिया गया है, मदर टेरेसा का, लता मंगेशकर का जी का, जिन महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं उन्हें बच्चों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए यहाँ पे विद्यालय के अध्यापकों के द्वारा, अरुणिमा सिन्हा जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, पीटी उषा जी हैं, बहुत सारी हमारी आइकन रोल मॉडल महिलाएं जिन्हें हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें यहाँ पे लगाया गया है ताकि बच्चे सीख सकें, उनके जीवन वृत्त से कुछ शिक्षा ले सकें। आइए हम चलते हैं विद्यालय के अन्य टीचरों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। सर आपका नाम है? पुष्पेंद्र कुमार शुक्ला। आप यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन? जी जी जी। वेरी गुड। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? वैसे सब्जेक्ट तो सभी पढ़ते हैं, हाँ, लेकिन मेरा मोस्टली जो मेरा मेन सब्जेक्ट है वो मैथ्स है। मैथ्स है। अच्छा, बेसिक शिक्षा विभाग की इस समय एक खबर सुर्खियों में है कि अभी तक 5-5.5 महीने बीत गए हैं, सिलेबस नहीं दिया है सरकार ने, किताबें उपलब्ध नहीं कराई हैं, तो आप लोगों को पढ़ाने में दिक्कत आती होगी, बच्चों को भी सीखने में दिक्कत आती? हाँ, दिक्कत थोड़ी आती है, लेकिन जो हमारा जो सिलेबस है तो सिलेबस में हम ये जानते हैं कि बच्चे को जो उसकी नीड है, जो उसकी आधारशिला, जिसको जो उसको जानकारी होनी चाहिए, उसकी जो पुरानी किताबें हैं उसमें से भी मिल जाती है। तो अभी जो पुरानी जो सिलेबस है हमारे पास, बुक्स हैं, उससे हम देख करके और बच्चे को उसी आधार पर आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र सर। जो समस्या एक है विभागीय तौर पे, सुर्खियों में पिछले दिनों ये न्यूज़ रही कि अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग की विभाग ने अपने बच्चों के लिए 5 महीना सत्र शुरू हुए हो जाने के बाद भी पुस्तकें नहीं उपलब्ध कराई है, उस समस्या का भी आपने बहुत शॉर्टकट अच्छा निकाला है, उस वो समस्या कोई बच्चों के पढ़ाई में आड़े नहीं आने देते हैं। आइए एक मैम से मिलते हैं, इनका छोटा सा बच्चा भी है। मैम आपका शुभ नाम? सीमा रानी। सीमा रानी, आपका बहुत छोटा बच्चा खुद ही में है, तो ऐसे में आपको रोज आना होता है स्कूल? जी सर। धूप में जाना होता है, आपको लगता नहीं है कि बच्चे को दिक्कत होती होगी, आपको कोई दिक्कत होती है? सर होती है, लेकिन क्या बोलते हैं, यहाँ पढ़ाना भी होता है हमें, तो बराबर इसको लिए रहते हैं, इसको लेकर के आप ले करके पढ़ाती हैं, कोई समस्या नहीं आती है? नहीं सर, कुछ खास नहीं होती है। सर सीसीएल ले चुके हैं? नहीं नहीं सर, लिमिट क्रॉस नहीं हुई है। एक्चुअली क्या बोलते हैं, मेरा बेटा यहाँ पढ़ता है जीवन ज्योति में, मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं साइंस पढ़ाती हूँ। मैडम का साइंस टीचर के रूप में अपॉइंटमेंट है यहाँ पे, एक छोटा सा बच्चा आपने देखा है गोद में आपकी, गोगा जी आपको दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी अपने कर्तव्य पथ पर अडिग हैं, प्रतिदिन आना होता है और इसको ले करके भी मैडम पढ़ा रही हैं, वास्तव में बधाई के पात्र हैं। आई इंडिया परिवार आपको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता है। आइए चलते हैं, ये मैम हैं हमारे साथ में। मैम आपका शुभ नाम? रेशम देवी सर। रेशम देवी जी, यहाँ पे किस सब्जेक्ट के रूप में आप? सर कक्षा 2 पढ़ाते हैं, हम लोग शिक्षा मित्र हैं सर। शिक्षा मित्र हैं जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैम शिक्षा मित्र यहाँ पे, क्लास 2 पढ़ाती हैं, और ये जो पूरे इंटायर कंपोजिट विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, आइए आपको भोलानाथ भार्गव जी से मिलवाते हैं। ये विद्यालय पूर्व में सीतापुर जनपद को राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार इस विद्यालय ने ही सीतापुर जनपद की झोली में डाला था। श्रीमान अशोक प्रजापति जी उस समय यहाँ पे अध्यापक हुआ करते थे, उन्होंने विद्यालय का नाम रोशन किया, वो विद्यालय अब भोलानाथ भार्गव जी की देखरेख में अपनी बुलंदियों को छू रहा है। आइए भोलानाथ भार्गव जी से बात करते हैं। ये विज्ञान और कंप्यूटर कक्ष की ओर हम आपको लिए चल रहे हैं, यहाँ पे हम दिखाते हैं सम्मिलित विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय
परसेणा कला में। ये साइंस लैब है, यहाँ पे देखिएगा साइंस के इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। हमारे कैमरा पर्सन हसन गोगा जी आपको दिखा रहे हैं। स्पोर्ट्स रूम भी है यहाँ पे, सचिन तेंदुलकर का बैट, सानिया मिर्जा टेनिस की खिलाड़ी हैं, टेनिस, मेजर ध्यानचंद जी जिनके नाम से हॉकी जानी जाती है, हमारे जनपद में मेजर ध्यानचंद जी के नाम से स्टेडियम भी है, साइना नेहवाल जी भी हैं, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, सब नाम से दिया गया है। और कंप्यूटर आप देख रहे होंगे, कंप्यूटर जो है साइंस लैब का जो सामान इसके जो है अलमीराज में रखे हुए हैं। प्रिंसिपल साहब हैं जो है यहाँ पे, आप देख रहे हैं कंप्यूटर बेसिक में, कंप्यूटर से बच्चों को प्रोजेक्टर से जो आजकल सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, हाईटेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चे जो है पढ़ते हैं यहाँ पे। आगे हम आपको दिखाएंगे विद्यालय की एक सरसब्ज पुस्तकालय के रूप में, यहाँ का इस विद्यालय का पुस्तकालय डेवलप है, देखिएगा। पुस्तकालय जो है बच्चों की पढ़ने के लिए यहाँ पे वंशाला है, लेखन और चित्रांकन, बहुत सारी किताबें हैं, नाना नानी कहानी है, अंगूठा छाप, विजय यात्रा, इस तरीके से आप देखिएगा एक भारी संख्या में पुस्तकें टेबल्स पे आप देख सकते हैं। जो है पुस्तकालय की जो अलमारीज होती हैं उसमें आप देख सकते हैं कि इधर पुस्तकें हैं, बच्चों के एयरक्राफ्ट्स जो बच्चों ने मॉडल क्राफ्ट बनाए हुए हैं उनकी भी एक प्रदर्शनी के तौर पे विद्यालय में प्रधानाचार्य भोलानाथ भार्गव जी के द्वारा यहाँ पे उसे प्रस्तुत किया गया है, जिससे बच्चों का एक हौसला अफजाई होता है जब उनकी बनाई हुई कोई कला का चित्रण होता है, तो बच्चे बहुत जो आशान्वित होते हैं कि उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। आइए आपको ले चलते हैं, कंपोजिट विद्यालय है चूँकि ये, तो कंपोजिट विद्यालय में प्राइमरी सेक्शन भी रहता है, प्राइमरी के बच्चों से आपको मिलवाते हैं। ये सम्मिलित विद्यालय परसेड़ा कला के बच्चे हैं, ये जीके के बच्चे हैं, आइए इनसे जानते हैं, जीके के कुछ क्वेश्चन करते हैं। आप भी देखिएगा बेटा, आपका नाम बुशरा। बुशरा, बुशरा बताइए सीतापुर के जिलाधिकारी जी इस समय कौन है? श्री अनुज सिंह। श्री अनुज सिंह जी, अच्छा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम? श्री योगी आदित्यनाथ। श्री योगी आदित्यनाथ जी। बेटा आपका नाम क्या है? माय नेम इज सपना मिश्रा। सपना, किस क्लास में पढ़ती है? कक्षा आठ में पढ़ती। आपके प्रधान अध्यापक महोदय कौन है? श्री भोलानाथ भार्गव। भोलानाथ भार्गव जी, अच्छा। आप बताइए अपने, आपका शुभ नाम क्या है? संध्या। संध्या, संध्या बताइए हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया कौन है? महामहिम श्री द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। सर ये कंपोजिट विद्यालय है, इस समय यहाँ पे पूरे क्लास फर्स्ट से लेकर के एट्थ तक कितने बच्चे इनरोल्ड हैं? 444 बच्चे हैं। अच्छा, उपस्थिति बच्चों की क्या रहती है? उपस्थिति लगभग जो है 50 से 60% रहती है। 60% रहती है। यहाँ पे पूरे टीचर्स कितने हैं? टीचर्स मैं जो है, मैं शिक्षा में तो अनुदेशक मिला कर तो जो है 13 बच्चे हैं सब। 13 मैं, मुझे मिला करके जो है। अच्छा, शिक्षा मित्र अनुदेशक और मास्टर सहित 13 लोगों का स्टाफ है जी। इस समय अभी तक जो एक समस्या थी है यहाँ पे जी, जूनियर बच्चों में, प्राइमरी के बच्चों में, छोटे बच्चों में तो चल जाता है कि बुक्स नहीं है फिर भी, लेकिन सीनियर बच्चों का सिलेबस ज़्यादा होता है, तो ऐसे में बिना बुक्स जब उनको अवेलेबल नहीं है तो बच्चों को तो दिक्कत आती होगी, आप लोग फेस करते होंगे जी? उसका प्रॉब्लम आती है, लेकिन हमने जो है शासन से आदेश हुआ था कि पुरानी बुकें जमा करा ली जाएँ, तो पुरानी बुकें जमा करा ली थी जिससे वो हम बच्चों का जो है पठन पाठन करा लेते हैं, और अभी तक कुछ बुकें आई हैं नई, बाकी नहीं आई हैं, तो उन्हीं का सहारा लेकर के हम बच्चों को जो है। भारत इस समय सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में है जो भी है, तो उसमें जिला लेवल पे तो ट्रेनिंग हो गई है जो ट्रेनर्स होते हैं, लेकिन ब्लॉक स्तर पे भी ट्रेनिंग नहीं हुई है जी सर। बिना ट्रेंड किए हुए कैसे निपुण भारत लागू किया जा रहा है? अब उसके जो व्हाट्सएप पर
कुछ गाइडेंस आते हैं जिनके माध्यम से हम उसका सहारा लेकर के जो है और उनको प्रेरित करते हैं अपने प्राइमरी वाले छात्रों को टीचरों को उनसे गाइड होकर के जो है अभी तक मॉड्यूल जो आप लोगों को मिलता है वो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। हाँ उसका जो है वो पुराने आधारशिला से और ये चीज़ें मिली हैं तो उसके सहारा ले लेते हैं कि जो है कितना कितना कोर्स किसमें कराना चाहिए और कितना हमको जो है किस आधार पर जो है कितना पढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भोलानाथ भार्गव जी, कंपोजिट विद्यालय परसेड़ा कला के प्रिंसिपल हैं। आपने बहुत ही सूझबूझ के साथ बच्चों को पुस्तकें ना होने के बावजूद भी उनके पढ़ाई का कोई पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने दिया है, पुरानी पुस्तकें जमा करा के उसका एक शॉर्टकट निकाला है जो निश्चित तौर पे बहुत ही प्रशंसनीय है, बधाई के पात्र हैं। आपने कंपोजिट विद्यालय परसेड़ा कला की तस्वीर देखी, यहाँ का शैक्षिक माहौल देखा, बच्चों की उपस्थिति को लेकर के आए दिन बेसिक शिक्षा के परिषदीय स्कूलों पर प्रश्नचिन्ह लगता है, लेकिन भोलानाथ भार्गव जी ने बताया और आपने कैमरे में साफ देखा कि यहाँ पे हर क्लास में 60% प्लस की उपलब्धता आपको दिखी, बच्चों की उपस्थिति दिखी। बच्चों की उपस्थिति अपने आप में ये बयान करती है कि यहाँ का शैक्षिक वातावरण निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होगा, यहाँ का खेल का वातावरण, खेल के क्षेत्र में यह स्कूल पूरे जनपद में स्टेट लेवल पे पहले से ही रहा है। यहाँ के पूर्व में खेल शिक्षक अशोक प्रजापति जी ने राष्ट्रपति सम्मान तक का पुरस्कार झोली में डाला है और तब से आज तक भोलानाथ भार्गव जी की देखरेख में इस स्कूल ने अपनी उस गरिमा को लगातार बरकरार बनाए रखा है। नमस्कार, आई इंडिया के कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ मैं भूपेंद्र दीक्षित। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।